नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एकदिष्ट वर्धमान के क्वेश्चन किए थे, अभिसारी अनुक्रम के क्वेश्चन किए थे। उसके अंदर एक दो छोटी चीज़ें रही हैं, फिर उसके बाद सीमा बिंदु निकालना, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर आपका उपानुक्रम, कोशिका जो मूल थ्योरम है, बस ये चीज़ें हो रही हैं अनुक्रम के अंदर। फिर उसके बाद आपकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इसके नोट्स वगैरह हैं वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अब देखो, कुछ चीज़ें नोट लगा कर आपको लिखनी है, एक दो चीज़ें हैं समझाता हूँ अच्छे से, नोट लगाना। नोट है कि अभिसारी अनुक्रम नंबर एक है, जो आपका अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, यानी जो आपका अभिसारी अनुक्रम है वो हमेशा परिबद्ध होता है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एग्जांपल भी आपको मैं कराऊंगा। इसका विलोम सत्य नहीं है, यानी कोई अनुक्रम यदि आपका अभिसारी है, यानी का मतलब ये है कोई सीक्वेंस अभिसारी है तो वो हमेशा परिबद्ध होगा। तभी एक हमने कंडीशन भी पढ़ी थी कि परिबद्ध होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई सीक्वेंस आपका परिबद्ध है तो वो अभिसारी हो, ये जरूरी नहीं है। कैसे, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल आपको दिया है ऐसा, 1 ± 1 की पावर n, ये आपका है, ये हर बार हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। अब देखो इसमें जो इसके अवयव आएंगे वो क्या आएंगे, देखो इसके अंदर रखेंगे n बराबर 1 रखा तो ये 0 बन गया, फिर उसके बाद 2 रखेंगे n बराबर तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 1 2 हो गया, फिर 3 रखेंगे तो ये माइनस 1, प्लस 1 कितना 0, 2, 0, 2, ऐसे ये आपका बढ़ता रहेगा। ये आपका सीक्वेंस परिबद्ध तो है, कैसे, कि इसका निम्नक आपको पता है क्या है, 0 है, उच्चक क्या है इसका 2 है, तो इसका निम्नक और उच्चक तो आपको पता है कि इसका 2 है, परिबद्ध अनुक्रम है, ये अनुक्रम आपका परिबद्ध हो गया। लेकिन मुझे बताओ कि क्या ये आपका अभिसारी है, क्या अभिसारी है, क्या अभिसारी तो था कि एक परिमित राशि की ओर अग्रसर होना चाहिए। अगर ये केवल मात्र दो ही मानों के बीच में ये दोलन कर रहा है, दो ही मान इसके लगातार आ रहे हैं, तो ऐसे सीक्वेंस को आप क्या कहते हैं, दोलनीय अनुक्रम, यानी जो ना तो अभिसारी है ना अपसारी है, तो ये तो सीक्वेंस आपका दोलनीय अनुक्रम है, न कि अभिसारी। तो ये इस प्रकार, ये देखिए स्टेटमेंट समझ में आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। कैसे नहीं है, इसके बारे में हमने एग्जाम्पल कर लिया, ठीक है। नोट के अंदर दूसरी लाइन लिखना, कि अनुक्रम एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है अनुक्रम एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है तब कि अगर आप इसका मापांक लेते हैं, यानी ये अनुक्रम है और इसका आप मापांक लेंगे तब ये भी अभिसारी होगा। होगा किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं, अभी एग्जांपल करेंगे, विलोम सत्य नहीं है, यानी इसका मापांक भी अभिसारी होगा। तो एक्शन आप ले सकते हैं कौन सा, ये आप ले लीजिए, एक्शन बराबर ले लिया माइनस 1 की पावर n। अब देखो इसके अंदर अवयव रखोगे तो क्या आएगा, माइनस 1 1 माइनस 1 1 ऐसे ही आपके आगे। लेकिन ये देखो क्या है, ये दोलनीय अनुक्रम है ना, तो ये अभिसारी तो नहीं है, हम ये उल्टा सिद्ध कर रहे हैं इसको, दोलनीय अनुक्रम है, लेकिन हम इसका मापांक लेते हैं। देखो इसके अंदर कहा रखा है मापांक, तो इसका हम मापांक लेंगे एक्स एन। अब देखो इसका मापांक लेंगे अपन, मापांक लेंगे तो क्या है, मापांक में सारे ही मान पॉजिटिव आएंगे, तो पॉजिटिव मान आएंगे, देखो क्या आएंगे, तो फिर एक 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 एक, यानी तो ये सीक्वेंस क्या हो गया आपका एक, और एक आया है तो ये क्या है, अचर अनुक्रम।
अब देखो एक आया है यानी एक ही अवयव अद्वितीय मान है और किसी परिमित राशि की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ये तो आपका अभिसारी हो गया, लेकिन ये क्या है, इसका विलोम सत्य नहीं है, क्योंकि इसका विलोम करोगे तो ये दोलनीय अनुक्रम है। तो ये आप बात समझ में आ गई ना, इसको दोनों को लाइनों को लिख लो, फिर इसके सीमा बिंदु के बारे में हम बात करते हैं। लिख लो अनुक्रम का सीमा बिंदु। इंग्लिश में कहें तो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम का सीमा बिंदु कि देखिए अनुक्रम एक्शन का, कोई आपके पास अनुक्रम है एक्शन का कोई वास्तविक संख्या अल्फा, वास्तविक संख्या अल्फा, देखो कोई अल्फा वास्तविक संख्या इस अनुक्रम का सीमा बिंदु कहलाएगी, कब अल्फा सीमा बिंदु कहलाएगी, सीमा बिंदु कहलाएगी, कैसा हो जिसके लिए प्रत्येक एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, यानी प्रत्येक एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो से कोई भी आप वैल्यू मान सकते हैं, उसके लिए क्या हो, के लिए जो आपका एक्स एन माइनस एल्फा आप लेंगे उसका मापांक लेंगे ये हमेशा लेस देन एप्साइलन होना चाहिए, और एवरी फॉर ऑल जो एन है वो ग्रेटर देन एन नोट। एन नोट क्या है, देखो एन नोट हमें बीसी में निकालना पड़ता है, एन नोट यानी उसके बाद कोई ऐसी संख्या है कि संख्या के बाद में सारे मान क्या है एप्साइलन से ही छोटे होंगे, एक्स एन माइनस अल्फा, एक संख्या के बाद सारों का जो अंतर आएगा वो आपका एप्साइलन से छोटा आएगा, या फिर इसकी आप डेफिनेशन और भी कह सकते हैं, जो एन नोट कहाँ से बिलोंग करेगा ये, यानी इसकी एक और डेफिनेशन कह सकते हैं, यानी जो ये वास्तविक संख्या अल्फा है, अथवा में लिख सकते हैं ये तो आपको समझाने के लिए है, जो वास्तविक संख्या अल्फा सीमा बिंदु कहलाएगी यदि अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा का प्रतिवेश निकालें आप, अल्फा के प्रतिवेश में जो अनुक्रम के अनुक्रम है उसके अनंत पद हो, अनुक्रम के अनंत पद हो, यानी अल्फा का प्रतिवेश निकालें, क्या होता है अल्फा का प्रतिवेश, अल्फा अल्फा माइनस एप्साइलन, अल्फा प्लस एप्साइलन, यानी इसके बीच में जो अनुक्रम आप ले रहे हैं अगर उसके अनंत पद हैं तो वो आपका जो ये अल्फा है वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, चेक करने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगा कैसे चेक करेंगे, यानी जो अल्फा है अल्फा का जो प्रतिवेश है उसमें अनुक्रम के अनंत पद होने चाहिए, कैसे होंगे देखो अभी हम करते हैं, पहले इसको सीखते हैं अपन, लिमिट पॉइंट निकालना सीखते हैं। मान लो आपके पास ये कोई सीक्वेंस दे दिया, कैसा ये कोई सीक्वेंस है जिसमें x1, x2 ऐसे कोई पद आ रहे हैं आपके xn तक, ठीक है, मान लो इसके अंदर तीन कोई संख्या है, अब तीन इसका सीमा बिंदु होगा, कब यहां से देखना है, तीन का आप प्रतिवेश लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट एक वन घटाते हैं, ऐसे ही हम करते आए हैं, और तीन पॉइंट एक वन, अगर इस अनुक्रम के अंदर, इस अनुक्रम के अंदर, इस प्रतिवेश के अंदर, इस प्रतिवेश के अंदर, इस अनुक्रम के यदि अनंत पद हैं, इन्फिनिटिव पद हैं, तो ये आपका क्या होगा, तीन है वो सीमा हो जाएगी, सीमा बिंदु हो जाएगा आपका, लिमिट पॉइंट,
एग्जाम्पल से भी करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो हमें देखना पड़ेगा। तो अब लिमिट पॉइंट हो भी सकता है किसी सीक्वेंस का, अभी नोट लगा कर लिखेंगे, हो भी सकता है, एक से ज़्यादा भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, तो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। लिखो इसको, कुछ नोट लगा कर बातें लिखाऊंगा आपको मैं। देखो यहां देखो, अगर सीमा बिंदु अद्वितीय है, यानी एक ही सीमा बिंदु है किसी अनुक्रम का, सीमा बिंदु नोट लगाना है, नंबर एक बात लिखनी है कि यदि सीमा बिंदु अद्वितीय है, यूनिक है, अद्वितीय है, तो सीमा बिंदु यदि आपका अद्वितीय मान देता है तो इसकी जो सीमा होगी वो सीमा बिंदु के अनुक्रम की सीमा बराबर सीमा बिंदु, देखो बात सही है ना, अगर इसका लिमिट पॉइंट एक ही आता है, अद्वितीय मान आता है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उससे ओ की ओर अग्रसर है, तो सीमा और सीमा बिंदु बराबर होगी। लेकिन दूसरा, अगर सीमा बिंदु अद्वितीय नहीं आता है, यानी दो तीन मान आ जाते हैं अद्वितीय नहीं हो, तो सीमा विद्यमान ही नहीं होगी, नोड नंबर तीन, जो आपका अभिसारी अनुक्रम है, अब बताओ अभिसारी अनुक्रम है, उसमें जो सीमा का मान है वो बराबर होगा किसके, सीमा बिंदु के, अभिसारी अनुक्रम में सीमा का मान सीमा बिंदु के कैसे होगा, देखो पता ही वैसे अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम में क्या एक परिमित राशि की ओर अग्रसर होता है, अपरिमित राशि की ओर अग्रसर होता है तो वही तो उसका सीमा बिंदु होगा और वही उसकी सीमा है, समझ गए ना बात को, अभिसारी अनुक्रम में सीमा बराबर, ये चीजें याद रखनी है भाई, सीमा बिंदु ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूं, एग्जाम के अंदर चीजें आती हैं, ये लिखो इसको, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन वगैरह कोई देखते हैं, चेक करते हैं एक एक करके। लिख लिया क्या, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अनुक्रम 1+1/n का सीमा बिंदु इसका आपको सीमा बिंदु बताना है कि सीमा बिंदु क्या होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर आप क्या करोगे बताओ शाबाश, क्या करोगे इसके अंदर, सबसे पहले इसके अंदर अवयव रखोगे, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं। तो n कहाँ से बिलोंग करता है, प्राकृत संख्याओं से, तो एक एक रखेंगे, यहाँ पर हमने एक रखा तो ये आपके पास दो आ गया, यहाँ दो रखेंगे तो आपके पास 3/2 आ गया, ऐसे ही यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये आपके पास 4/3 आ जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा 4/3, आगे रखेंगे 4 रखेंगे तो 5/4, 6 रखेंगे तो 6/5, और ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। और कहाँ तक, किस ओर ये अग्रसर हो रहा है, देखो किस ओर ये बढ़ रहा है, यहाँ वैसे लिमिट भी रख सकते हैं, लिमिट रखोगे तो एक की ओर, यानी ये एक की ओर अगर सुर हो रहा है, क्या ये एक ही समुच्चय का अवयव है, समुच्चय का अवयव नहीं, याद रखना है ये समुच्चय का अवयव नहीं होगा, बार बार मैं ये क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है, समुच्चय का अवयव ये नहीं होगा। अब देखो हम चेक करते हैं कि इसका सीमा बिंदु क्या हो सकता है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि दो क्या इसका सीमा बिंदु होगा, देखो निकालते हैं, क्या करना है, दो का प्रतिवेश लेना है, दो का प्रतिवेश 2.1 आ गया और यहां आ गया 1.9, ठीक है, ये हमने प्रतिवेश ले लिया। अब जो सीमा बिंदु की डेफिनेशन कहती है, सीमा बिंदु की डेफिनेशन क्या कहती है, कि ये जो आपका जो पॉइंट आप ले रहे हैं, वास्तविक संख्या ले रहे हैं, उसके बीच में उसका जो प्रतिवेश लेंगे उसके बीच में अनुक्रम के अनंत पद होने चाहिए। अब मुझे बताओ ये अनुक्रम देखकर कि दो इसके प्रतिवेश के अंदर क्या अनुक्रम के अनंत पद है, देखो क्या आएगा, कहाँ है इसके अनंत पद, इसके बीच में, इसके अंदर तो कोई पद आएगा भी नहीं अनुक्रम का, ये देखो ये 1.5 है, ऐसे ये घटता जाएगा, तो इस प्रतिवेश में अनंत पद नहीं है, तो ये दो क्या है, दो सीमा बिंदु नहीं होगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं एक के लिए,
देखो ये मान जो आप ला रहे हैं आगे लाओगे 1.5 आ गया। अब ये जो सारे मान आएंगे ये क्या होंगे, देखो इसके प्रतिवेश के अंदर ही होंगे ना, एक से थोड़े बड़े होंगे, 1.01 आ गया, 1.02 आ गया, ऐसे लगातार अंत तक मान बढ़ते जाएंगे। तो कहां तक आएंगे, एक तक। तो इसके एक के प्रतिवेश के अंदर देखो 1.1 ये सारे मान इधर तो आएंगे, 0.9 यानी इसी के बीच में तो ये सारे मान आएंगे इसके प्रतिवेश में। इसके देखो कितने मान है, ये सारे मान एक के प्रतिवेश के अंदर है, अनंत मान है, लेकिन दो के प्रतिवेश में कोई नहीं था। ये देखो ये डेड है, लेकिन दो, ये देखो दो के प्रतिवेश में क्या 2.1 और इसके बीच में कोई संख्या थी क्या, नहीं थी, तो ये तो इसका नहीं हुआ। लेकिन इसके प्रतिवेश में अनंत संख्याएं हैं, तो ये एक क्या होगा आपका सीमा बिंदु। ऐसे आपको चेक करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लिखो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ गया होगा ना, और भी बताऊंगा चिंता मत करो, एक एक चीज क्लियर करेंगे अपन, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्वेश्चन देखो आगे, क्वेश्चन है आगे आपको दिया है कि 1 ± 1 की पावर n, ये देखना है किसका जो सीमा बिंदु है वो क्या होगा। ठीक है, करते हैं, चेक करते हैं इसको। वही सबसे पहले क्या रखेंगे, इसके मान रखेंगे। n कहां से लेंगे, नेचुरल नंबर से, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं से आपका n बिलोंग करेगा। अब ये यहां पर रखते हैं अपन, देखो n बराबर 1 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो 0, फिर उसके बाद 2, फिर 0, 2, 0, ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा। अब देखो लिमिट पॉइंट चेक करते हैं अपन, लिमिट पॉइंट सीमा बिंदु। तो सबसे पहले मैं 0 चेक करता हूं, तो 0 का प्रतिवेश देखो 0.1 और माइनस का 0.9, ऐसा कोई इसका प्रतिवेश है ना, या माइनस का 0.1 कर लो, एक ही बात, माइनस का 0.1। अब देखो इसके प्रतिवेश में ये संख्या भी है, ये संख्या भी है, कितने सारे 0 हैं इसके अंदर, तो इन्फिनिटिव 0 है, यानी अनंत संख्याएं मौजूद हैं इसके अंदर। देखो सारे 0 इसी के तो अंदर आएंगे, जितने भी 0 हैं सारे, देखो कितने 0, अनंत 0 आएंगे, तो अनंत 0 हैं, तो यानी अनंत संख्याएं इसके प्रतिवेश के अंदर मौजूद हैं, और अनंत संख्याएं जिसके प्रतिवेश के अंदर होती हैं तो वो आपका सीमा बिंदु कहलाता है। तो यानी ये 0 क्या है आपका, 0 सीमा बिंदु है, 0 सीमा बिंदु है। बात करते हैं 2 की, ठीक है, ऐसे ही 2 की बात करेंगे। तो 2 का प्रतिवेश क्या हो गया, 2.1 हो गया और यहां 1.9 हो गया। तो इसके प्रतिवेश में देखो, अब जो ये 2 संख्या है, 2 नंबर है, ये देखो ये 2 इसके अंदर भी है, इसी के अंदर है, इसी के अंदर है, जितने भी आगे आपके 2 आएंगे सारे इसके अंदर होंगे। तो यानी इसके प्रतिवेश के अंदर भी आपकी अनंत संख्या होगी, अनंत संख्या होगी, तो 2 भी आपका क्या हो जाएगा, 2 भी सीमा बिंदु होगा। जीरो भी सीमा बिंदु था, 2 भी सीमा बिंदु है। क्या आए हैं, अद्वितीय सीमा बिंदु आए हैं, सॉरी अद्वितीय नहीं, अद्वितीय सीमा बिंदु नहीं आए हैं, यानी 2 सीमा बिंदु आए हैं आपके, 0 और 2। और अब बताओ क्या इसकी सीमा, सीमा क्या होगी इसकी। मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर आपके जो सीमा बिंदु है वो अद्वितीय नहीं आते हैं तो सीमा विद्यमान नहीं होगी। ये नहीं बता सकते कि आप किसकी ओर अनुक्रम जा रहा है आपका, और वैसे आप देख भी सकते हैं, बता सकते हैं कि कहां सीमा होगी, किस ओर विसरित हो रहा, बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। तो जिसमें अद्वितीय मान नहीं आते तो उसकी सीमा विद्यमान नहीं होगी। तो यही आपको लिखना है कि सीमा विद्यमान नहीं है, तो इसकी सीमा क्या है, वो विद्यमान नहीं होगी। समझ गए बात को, कि सीमा विद्यमान नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखो इसको, फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, लिख लो इसको अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सभी अच्छे ईमानदारी से आप चीजें तैयार कर रहे हैं, तो इसके अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे इस बुक में से और आपका एक भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आएंगे और टाइम भी इस बुक के अंदर आपका बचने वाला है 5 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, लिख लिया होगा। वो थोड़ा मोटिवेट रहो, अपने आप को रखो कि सिलेबस हो जाएगा, अब भी स्टार्ट करेगा उसका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा,
कोई दिक्कत की बात नहीं, साहब स्टार्ट कर दो। अभी तो डेट ये अनाउंस नहीं हुई है कि सेकंड ग्रेड कब होगी आपकी, वैसे ये वीडियो आए तब तक हो जाए पता नहीं, यानी 5-7 दिन बाद में ये वीडियो आएगा तो उस वक्त हो जाए तो पता नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखो आगे। जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन तक कोई भी आपकी जो डेट है सेकंड ग्रेड की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, और काफ़ी सारा टाइम आपके पास अभी भी है, 4-5 महीने अब भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना जल्दी नहीं होगा। अब देखो इसके बारे में चेक करना है तो सेम वही -1, 1, -1 ऐसे एलिमेंट आएंगे आपके, और ऐसे अवयव आएंगे तो वही, यानी इसमें भी देख सकते हैं -1 और 1 क्या है, सीमा बिंदु होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन क्या इसकी सीमा विद्यमान होगी? क्या सीमा विद्यमान नहीं है, क्योंकि ये 1 और -1 जो आपके यूनिक मान नहीं है, 2 मान आ गए, विद्यमान नहीं है। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, अब नोट लगाकर कुछ चीजें लिखनी है आपको सीमा बिंदु के बारे में, नोट लगाकर कुछ चीजें लिखते हैं अपन सीमा बिंदु के बारे में। नोट लगाइए, यानी जिस पद की, देखो अभी हमने देखा था पदों की पुनरावृत्ति हो रही थी, -1 कितनी बार अनंत बार आया था, तो आप कह सकते हैं कि जिस पद की पुनरावृत्ति होती है वह सीमा बिंदु हो जाता है, कह सकते हैं, यानी जिस भी आपके बिंदु की, जो भी आपके पास पॉइंट है उसकी पुनरावृत्ति होती है तो वह आपका क्या हो जाएगा, सीमा बिंदु हो जाएगा। यानी जिस बिंदु की आपकी पुनरावृत्ति होगी तो वह सीमा बिंदु हो जाएगा। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि प्रत्येक अनुक्रम का सीमा बिंदु होना आवश्यक नहीं है, प्रत्येक अनुक्रम का सीमा बिंदु होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है, प्रत्येक जो अनुक्रम है उसका सीमा बिंदु होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, नंबर 3 पर हम बात करें, जो सीमा बिंदु है वो आपके 1 से अधिक भी संभव है, यानी अनुक्रम के सीमा बिंदु 1 से अधिक भी संभव है, 1 से अधिक भी संभव है। सीमा बिंदु अनुक्रम का पद होना आवश्यक नहीं है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी, सीमा बिंदु अनुक्रम का पद होना आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो आपका सीमा बिंदु है वो अनुक्रम का पद हो, सीमा बिंदु अनुक्रम का पद होना आवश्यक नहीं है। लिखो, अब क्वेश्चन करवाता हूं, ये 4 बढ़िया लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, लिख लो। बाकी तो सभी के मैंने प्रूफ बता दिए थे, इसका और बता देता हूं कि अनुक्रम का पद होना आवश्यक कैसे नहीं है। ठीक है, लिख लिया होगा, चलो क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है आपको दिया है अनुक्रम के अंदर 1/n, ठीक है, और जो ये n है कहां से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से,
समझिए बात को। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सबसे पहले n बराबर वन रखेंगे तो वन, फिर एक बटा दो, एक बटा तीन, ऐसे ऐसे कहां तक बढ़ेगा ये देखो। डायरेक्ट आप लिमिट लगाते हैं इसके अंदर, n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो n की जगह इन्फिनिटी करते हैं तो एक बटा इन्फिनिटी का मतलब जीरो, तो यानी ये जो आपका है ये पूरा जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। अब ये बताओ कि क्या ये जीरो इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, समुच्चय का अवयव नहीं होगा, समुच्चय में नहीं है, ये जो जीरो है आपका इस समुच्चय के अंदर नहीं होगा। अब देखो इसके लिमिट पॉइंट की हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें एक की कि क्या इसका एक सीमा बिंदु होगा, तो देखो ये एक का सीमा बिंदु यानी एक का प्रतिवेश निकालेंगे क्या आएगा, 1.1 आ गया, इधर आ गया 0.09। अब देखो इसके प्रतिवेश में क्या आपकी अनंत संख्याएं हैं, क्या नहीं है, देखो एक भी संख्या नहीं है, एक ही अकेला, उसके बाद तो 0.5 आ रहा है, आधा आ रहा है, इसके प्रतिवेश में नहीं है, तो इसके प्रतिवेश में कोई नहीं है तो यानी अनंत संख्याएं नहीं है तो ये एक सीमा बिंदु नहीं होगा। क्या एक है वो आपका सीमा बिंदु नहीं होगा, ये समझ गए बात को। अब बात करते हैं देखो कहां तक जा रहा है आगे, फिर जीरो की ओर। अब जीरो को हम चेक करते हैं कि क्या इसका जीरो सीमा बिंदु होगा, वही तरीका हमारे पास। अब देखो ये सारी संख्याएं आगे आप देखेंगे, एक बटा दस आएगा, एक बटा ग्यारह आएगा, उसके बाद जो सारी संख्याएं हैं वो जीरो की ओर जा रही हैं, जीरो के प्रतिवेश की ओर अग्रसर हो रही हैं, तो जीरो के प्रतिवेश की ओर अग्रसर हो रही है। वैसे भी आप बता सकते हैं कि जीरो इसका सीमा बिंदु होगा, यानी इसके बीच में जीरो और ये 0.1 होगा और ये माइनस का 0.1 होगा, इसके प्रतिवेश के अंदर इसमें अनंत संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं, तो ये जीरो क्या होगा आपका, जीरो सीमा बिंदु होगा, इस अनुक्रम का जीरो सीमा बिंदु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके प्रतिवेश के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं अनंत संख्याएं हैं, और यही आपको देखना था कि इसके प्रतिवेश में अगर अनंत संख्या है तो जीरो इसका सीमा बिंदु हो जाएगा। अब जीरो सीमा बिंदु है, देखिए केवल मात्र एक ही सीमा बिंदु है तो यानी इसकी लिमिट भी होगी, और लिमिट क्या है, अगर अद्वितीय सीमा बिंदु है तो जो सीमा बिंदु का मान होता है वही आपकी सीमा होती है, तो यानी जीरो इसकी सीमा भी हो जाएगी, और वैसे भी आप लगा सकते हैं टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो जीरो आपको इसकी सीमा बिंदु मिलेगी। तो आप देख सकते हैं जीरो इसका अवयव भी नहीं था, जो लास्ट लाइन में लगवाई थी कि जो सीमा बिंदु है वो जरूरी नहीं है कि उस अनुक्रम का बिंदु हो, उस अनुक्रम का बिंदु होना आवश्यक नहीं है, बाहर का भी कोई हो सकता है, तो ये देखिए बाहर का भी था, ये इसके अंदर शामिल नहीं था लेकिन फिर भी ये इसका सीमा बिंदु है। ठीक है, तो ये देखो लिखो इसको, फिर ये अनुक्रम कौन सा हो जाएगा आपका, अभिसारी अनुक्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिसारी अनुक्रम आपका ये हो जाएगा, लिख लो इस क्वेश्चन को। फिर आगे एक थ्योरम आती है, देखो एक स्टेटमेंट केवल मात्र आपको स्टेटमेंट याद रखना है, प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, बस प्रूफ पूछेगा भी नहीं कभी भी सेकंड ग्रेड के अंदर। मैन फोक्स तो यहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर करने पर हैं कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, यहां से थ्योरम है भी इंपॉर्टेंट थ्योरम। नाम है बोलजनो वाइस्ट्रेस परमे, वाइस्ट्रेस परमे, बस इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, नाम याद रखना है और इसका स्टेटमेंट याद रखना है कि ये थ्योरम कहती क्या है आपको, बस ये चीज याद रखनी है। तो ये देखिए स्टेटमेंट लिखना है इसका, बस और कुछ नहीं है। स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का,
अनुक्रम का जो परिबद्ध अनुक्रम है का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। बस ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। एक नोट लगाकर एक लाइन लिख लो, क्या अनुक्रम की जो सीमा है, अभी हमने बात की थी ना कि अनुक्रम की सीमा उसकी सीमा बिंदु भी होती है, अनुक्रम की सीमा सीमा बिंदु भी होती है, लेकिन विलोम इसका सत्य नहीं है। बस एग्जांपल देखो, विलोम सत्य नहीं, कैसे? माइनस वन की पावर n है, ये देखो माइनस वन कोमा वन, ऐसे ऐसे मान आते जाएंगे। इसमें देखो इसके सीमा बिंदु तो माइनस वन और वन है, लेकिन इसकी सीमा विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। चलिए बाकी जो बचा पार्ट है ये नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।